अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ देगी स्टाइल चिकन टिक्का, वो भी पैन में। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। 4 लेग पीस हमें चाहिए, इनको मैंने डीप कट्स लगा लिए, अच्छी तरह वाश कर लिया था। 2 टेबल स्पून हमें दही चाहिए, 1/4 टी स्पून ऑरेंज फूड कलर चाहिए, 3 टेबल स्पून हमें सफ़ेद सिरका चाहिए, 3 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए, टिक्का मसाला हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हमें चाहिए 1/2 टी स्पून, पिसा हुआ जीरा हमें चाहिए 1/4 टी स्पून, चाट मसाला हमें चाहिए 1/2 टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए 1 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1/2 टी स्पून, 1/2 टी स्पून नमक चाहिए, 1/4 टी स्पून हमें हल्दी चाहिए। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम सफ़ेद सिक्का ऐड करेंगे, आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, और बाकी के सारे जो मसाले हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, दही, फूड कलर, इन सब को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। आप चिकन का एक पीस लेंगे और मसाला अच्छी तरह से चिकन पे हम अप्लाई करेंगे। कट्स में भी हम अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे। ये देखें, सारे पीसीस पे मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। मैं इसको कवर करके 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं, क्लिंग को हटाएंगे और अब हम इसको पैन में स्टीम करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और पैन में मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इस तरह मैं लेग पीसेस को पैन में अरेंज कर दूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और जो बाकी का मसाला है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो पानी भी 1-2 टेबलस्पून जितना डाल सकते हैं। 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। और ये मैं कुछ फ्रेंच फ्राइज इसमें डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, नहीं तो आप इनको स्किप कर दें। फ्रेंच फ्राइज काफ़ी टेस्टी लगते हैं इसमें, इसलिए मैंने डाले हैं। 10 मिनट इसको कवर कर देंगे और ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है, आप देख सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा हुआ था और अब मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। और चिकन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% डन हो चुका है। अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी, इसकी साइड चेंज करूंगी और 10 मिनट मैं इस साइड को दूंगी हाई फ्लेम पे, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं कवर को हटाऊंगी और ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये बहुत इसका ज़बरदस्त टेस्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी में कोयले का धुआं नहीं देती। ये देख सकते हैं आप, देगी स्टाइल में हमारे लेग पीस रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। तो लीजिए ज़बरदस्त हमारे देगी स्टाइल चिकन लेग पीस रेडी हो चुके हैं और ये बहुत सॉफ्ट जूसी अंदर तक, ये बहुत मज़े का इनका फ्लेवर आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको रोगनी नान, तंदूर की रोटी या नॉर्मल रोटी किसी के साथ भी इंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।